ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਚਾਹ। ਜਿਹੜੀ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚਾਹ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਐਤਕੀ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਚਾਹ 'ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਲੈ ਲਈ, ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਆਹ ਦੇਖਿਓ, ਅਤੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਜਾਏ। ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਔਰ ਬੈਲ ਆਈਕਨਸ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਲੇਟੈਸਟ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵੇ। ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟਾਰਟ, ਲੈਟਸ ਗੋ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अपने सबसे पहले अपने जगाएंगे गैस, गैस जगाते हैं और गैस जगा के अब ये टोपी है अपने क्या है कि चढ़ाई देते हैं। चलो इसके नीचे को थोड़े सपोर्ट लगा देते हैं कि आपको पता है गिर जाता है टोपिया। पहले वाले वीडियो में आपने जरूर देखा होगा। आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसके अंदर कड़छी की भी जरूरत पड़ेगी अपने को। और ये अपने डाल दिया, अब देसी घी डालेंगे। पहले आप सोचोगे यार देसी घी वाली कौन सी चाय होती है, बट जो आज की चाय है ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो लास्ट जो आप देखा जरूर भी कितना दी बनी है, एक्सपेरिमेंट फेल हो जाए पास। ये अपना लौंग और इलायची डालती है, लौंग तो डाले नहीं अपना, सिर्फ इलायची और सौंफ। यार एक चीज हो रहा है, अगर कभी वीडियो बनाओ तो चाय पत्ती मत डालना पहले, चाय पत्ती पानी डाल के ही बनाना, क्योंकि अगर पहले डाल देते हैं सारी गड़बड़ घोटाला हो जाता है और वो ही मेरे साथ हो चुका है। और एक ये जो वीडियो है ये ब्लर हो गई है, क्योंकि मैंने फ़ोन थोड़ा सा ऊंचाई पर रखा था, उसके कारण गया थोड़ा सा अजीब सा हो गया फ़ोन ब्लर होने के कारण, तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में कोशिश यही करूँगा कि ब्लर ना हो। और पानी पुनी अपनों ने एक कप ही डालना है अगर अपने लिए खुद के लिए बना रहे हो तो। और थोड़ा सा अपने कच्ची से मार के हिला के एक मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद में इसके अंदर आप डाल देते हैं अपने गुलाब के फूल। गुलाब के फूल तो अपने कोई भी चाय में डाल सकते हैं, चाहे नॉर्मल घर पर बनाते हैं। उससे क्या है कि गुलाब की खुशबू आती है उसमें से, अगर गुलाब की खुशबू आएगी तो आपको पता है वैसे ऑटोमेटिकली मज़ा सा आ जाता है चाय पीने में। इसको अच्छे से जो भी हमारे मोटे फूल है सारे डाल देते हैं। यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जो भी मेरा भाई मेरी वीडियो को देखे। ये अपने डब्बे वगैरह सारे बंद करके रख देते हैं और इसको होने देंगे थोड़ा सा बॉयल, उबल जाए अच्छे से ये। और तब तक मैं बाकी जाकर तुलसी के पत्ते लेके आ रहा हूँ। तुलसी के पत्ते होने ज़रूरी है चाय में, तुलसी वैसे भी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। कोई बुखार बुखूर या कोई बीमारी शुमारी नहीं लगती तुलसी के पत्ते खाने से। तो डाल दिए अपनों ने तीन चार तुलसी के पत्ते ला के, अब इसको कड़छी से ही मिक्स करेंगे अपने, क्योंकि कड़छी वाली चाय बनाई है थी अपनों ने। अब डाल देंगे इसके अंदर दूध। दूध डालने के बाद क्या है, इसको खुशबू लेके देखी मैंने, पर खुशबू इतनी भी मस्त नहीं लगी मेरे को। बाकी देखते हैं चाय पीने के बाद पता लगेगा कैसी बनी है। और बने रहिए वीडियो के लास्ट तक मेरे साथ। आप सबका हरमन प्यारा गगन शर्मा। तो अभी ये चाय अपनों ने गैस फुल कर रखा है, बॉयल हो रही है धीरे धीरे। चाय को नहीं लेंगे उठा, सो गाइस आप भी कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट करते हो, अगर कोई वीडियो बनाओ तो प्लीज मेरे को आप शेयर करना, ताकि मैं भी वो एक्सपेरिमेंट कर सकूं और वीडियो बना के डाल सकूं। ये देख सकते हो दोस्तों चाय अपनी उबल चुकी है, कुल मिला के तैयार हो ही चुकी है फिलहाल तो। हाँ जैसे पहले अपनों ने चाय बनाई थी वैसी तो नहीं बनी है देखने में, बाकी पीने के बाद पता लगेगा कि वैसी है कि उससे भी गजब बनी है। पर पहले वाली जो चाय थी अपनी
जो मक्खन की टिक्की डाल के बनाई हुई चाय थी, बटर वाली चाय, वो ज्यादा बेटर बनी थी देखने के अकॉर्डिंग। अब देखते हैं, ये भी पी के देखेंगे जरूर, खुद भी पियेंगे और ये किसी से चेक भी करवाते हैं भी ये कैसी बनी है, वाकई में मस्त है या नहीं है। ये अपने छान लिए चाय, अब इसको कपों में डाल लेते हैं और खुशबू के अकॉर्डिंग देखा जाए तो खुशबू तो इतनी मस्त नहीं है, क्योंकि मैंने क्या कराया कि चाय पत्ती पहले डाल दी और चाय पत्ती थोड़ी सी नीचे लगी है। और आप कभी भी ऐसा एक्सपेरिमेंट करो, बढ़िया बनती है चाय बट पीने के बाद ही पता लगता है कि असल में बनी कैसे है। अपने अपनों ने कपो में तो लिए डाल, अब इसको ट्रे में डाल लिए। ये देखिए इसका जो कलर है वो थोड़ा सा ग्रीन हो चुका है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पिला के देखते हैं, अब अपने चलते हैं। और ये हमारे श्याम जी बैठे हुए हैं, यहाँ पे आए हुए हैं और ये चाय अपने श्याम जी को चेक करवाएंगे, ये चाय कैसे बनी है, मस्त है या नहीं है, वही देखेंगे पियेंगे और बताएंगे। उन्होंने पहले सूंघी चाय को, सूंघ रहे हैं, बाद अब देखते हैं क्या इशारा आता है उनका। हाँ, मैंने उनको जरूर बोला था कि मीठा थोड़ा सा कम होएगा और मीठे के अकॉर्डिंग उसने बोल भी दिया था, उन्होंने भी मीठा तो कम है बट उनको ये स्वाद नहीं लगी। कारण क्या हुआ कि मेरे को लग रहा है कि जो चाय थोड़ी सी नीचे लगी थी ना चाय पत्ती, उसके कारण क्या इनको लगा